हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज चिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस हम टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई, ठीक है। सो ये जो टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई है, ये एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है, ओके। एंड ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम की बीमारी को कॉज करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। सो टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई इज अ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। ये पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है जो कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है। ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग वर्चुअली ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उन सबको इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। जब टॉक्सोप्लास्मोसिस होता है तो उसके अंदर होने वाले सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, मसल पेन होता है, फीवर आता है, हेडेक होता है, जनरलाइज्ड फटीग होता है, थकावट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जो कि लास्ट वीक्स तक, मतलब काफ़ी समय तक चलता है। सीवियर केसेस में डेवलप कन्फ्यूजन, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई है तो पर्सन विल बी कन्फ्यूज, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सीजर्स आने, दौरे आने शुरू हो जाते हैं, ब्लड विजन, विजन खराब हो जाता है, ठीक है। मोर्फोलॉजी के बारे में बात करें अगर हम टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई की, सो देखिए ये तीन टाइप में एग्जिस्ट करता है, ट्रोफोजॉइड, टिश्यू सिस्ट एंड ओसिस्ट। एंड द थ्री फॉर्म्स अकर इन डेफिनेटिव फॉर्म, डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है। जो थ्री फॉर्म्स होती हैं वो तीनों के तीनों डेफिनेटिव होस्ट, मतलब कैट और अदर फेलिन्स, मतलब कैट से रिलेटेड जो जितनी भी स्पीसीज हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। एंड ओनली ए सेक्शुअल फॉर्म, लेकिन ए सेक्शुअल फॉर्म जो कि ट्रोफोजॉइट और सिस्ट, मतलब ओसिस्ट इज नॉट अ सेक्शुअल फॉर्म, ठीक है, सॉरी, ओसिस्ट सेक्शुअल फॉर्म है, ट्रोफोजॉइट एंड टिश्यू सिस्ट जो है वो ए सेक्शुअल फॉर्म है। ये इंटरमीडिएट होस्ट, मतलब ह्यूमंस, मैमल्स और बर्ड्स के अंदर ही पाई जाती है। फर्स्ट स्टेज विच इज ट्रोफोजॉइट स्टेज के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके साइज के बारे में बात करें तो 3x7 माइक्रोन होती है। शेप इसकी क्रिसेंट शेप होती है, मतलब कि एक एक एंड इसका पॉइंटेड है और एक एंड इसका राउंडेड है। न्यूक्लियस इसके अंदर ओवॉइड होता है, ठीक है, और सिचुएटेड नियर ब्लंट एंड, जो ब्लंट एंड है वहां पे होता है। ये रेड इन कलर, रेड इन कलर का ये न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, ठीक है, दिस इज अ साइटोप्लाज्म एंड जो कि अजर ब्लू वेन स्टेन विद जिम्सा स्टेन। जब हम इसको जिम्सा स्टेन से करते हैं स्टेन, तो ये अजर ब्लू कलर का दिखता है। मल्टीप्लीकेशन देखें, सो ये मल्टीप्लाई करता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसको हम एंडोगैमी बोलते हैं, और इंटरनल बडिंग के जरिए ये मल्टीप्लाई होता है। ये है ट्रोफोजॉइट स्टेज, ठीक है। टिश्यू सिस्ट दूसरी स्टेज है जो इस तरीके की दिखती है। इसका साइज जो है वो 200x1000 माइक्रोन रहता है। ये राउंड टू ओवल होती है, ठीक है, सराउंडेड बाय थिक सिस्ट वॉल। ये जो इसका सिस्ट वॉल देखें तो काफी थिक होता है, ठीक है, ये सिस्ट वॉल है, ये थिक है काफी, ठीक है। कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्लोली मल्टीप्लाइड ब्रेडोजॉइड्स। इसके अंदर देखिए ब्रेडोजॉइड्स है, कितने सारे ब्रेडोजॉइड्स हैं। ब्रेडोजॉइड्स से क्या होता है, ह्यूमन बींग को डिजीज कॉज करने के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंड पर्टिकुलरली इन ब्रेन, ये कहाँ पे पाई जाती है, ब्रेन और मसल्स के अंदर पाया जाता है टिश्यू सिस्ट, ठीक है। कैट अक्वायर्स इन्फेक्शन व्हेन इट फीड्स ऑन माइस कंटेनिंग टिश्यू सिस्ट। कैट को इन्फेक्शन कब होता है, जब वो माइस को खाती है, ठीक है, और माइस के अंदर टिश्यू सिस्ट होता है, ठीक है, तब कैट को ये इन्फेक्शन होता है और माइस से टिश्यू सिस्ट कैट के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसके अंदर मेन चीज क्या है, इसके अंदर ब्रेडोजॉइट्स होते हैं जो कि डिजीज पैदा करने का काम करते हैं। थर्ड है ओसिस्ट। ओसिस्ट ऐसा होता है जिसके अंदर स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोसाइट्स होते हैं, ठीक है। साइज के बारे में बात करें तो 10x15 माइक्रोन टू 8x12 माइक्रोन रहती है। शेप बात करें, स्फेरिकल टू ओवल है इसकी शेप। इसके अंदर स्पोरोब्लास्ट होते हैं। स्पोरोब्लास्ट का मतलब क्या है, अ सेल ऑफ ए स्पोरोजोआ रिजल्टिंग फ्रॉम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग स्पोर्स एंड स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। ये क्या है, स्पोरोब्लास्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोरोजॉइट्स को कन्वर्ट करता है, ठीक है, विथ टू स्पोरोसिस्ट कंटेनिंग 8 स्पोरोजॉइट्स। अगर टू स्पोरोसिस्ट हैं तो मतलब उसके अंदर 8 स्पोरोजॉइट्स हैं। दिस स्टेज अकर्स ओनली इन द इंटेस्टाइन। ये क्या है,
जो होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट मतलब कैट, उसके इंटेस्टाइन में ही पाई जाती है ओसिस्ट, ना कि ह्यूमन बींग के अंदर। ठीक है, दे कैन इन्फेक्ट कैट्स एंड इंटरमीडिएट होस्ट, ये कैट और इंटरमीडिएट होस्ट को इन्फेक्ट कर सकती है। लेट अस टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ लिशमेनिया डोनोवनी। ठीक है, सो देखिए द लाइफ साइकिल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू फेज। इसकी लाइफ साइकिल दो फेज में डिवाइड की गई है, एक होती है एक्सोएंट्रिक साइकिल, एक होती है एंट्रिक साइकिल। एक्सोएंट्रिक और एंट्रिक साइकिल, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट के बीच में ये लाइफ साइकिल चलती है। डेफिनेटिव होस्ट जो है वो कैट और अदर फेनिलिन्स है, जो कि कैट से बिलोंग स्पीसीज होती हैं। ऑल दी थ्री फॉर्म्स अकर्स इन डेफिनेटिव होस्ट, जो तीनों फॉर्म है ट्रोफोजोइट, ओसिस्ट एंड टिश्यू सिस्ट, ये तीनों की तीनों कहाँ पाई जाती है, कैट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम एंट्रिक साइकिल कहते हैं, क्या कहते हैं, एंट्रिक साइकिल करते हैं। ठीक है, ये देखो ये कैट के अंदर जो साइकिल चल रहा है ये एंट्रिक साइकिल बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में बात करें, सो ह्यूमन बींग्स, अदर मैमल्स एंड बर्ड्स ओनली ए सेक्शुअल फॉर्म, ये कहाँ पाई जाती है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन है इसमें, ह्यूमन बींग्स है, अदर मैमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, जिसके अंदर ए सेक्शुअल फॉर्म होती है जो कि ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट है। ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट होस्ट में पाई जाती है, और इंटरमीडिएट होस्ट की जो साइकिल होती है उसको एक्सोएंटेरिक साइकिल के नाम से हम जानते हैं। सो देखिए ये स्टार्ट कैसे होती है, जो टिश्यू सिस्ट है वो जैसे मान लो टिश्यू सिस्ट है माइस के अंदर है, सो क्या हुआ कि जो कैट है उसने उसको खाया। अब जब कैट ने उसको माइस वगैरह को खाया, इनको खाया, तो उसके बाद कैट के अंदर ओसिस्ट पाया जाएगा। ये जो ओसिस्ट है, कैट का जो पॉटी होता है, स्टूल होता है, उसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई होता है। ठीक है, एंड ओसिस्ट कंटेनिंग ग्रास एंड सॉइल, जब कैट स्टूल पास आउट करती है तो वो ग्रास वगैरह में करती है, जो ओसिस्ट है वो सॉइल और ग्रास में जाके सॉइल और ग्रास को कंटामिनेट करता है। मैमल्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ग्रास को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फॉर देयर डेली नीड, तो उनको वहां से इन्फेक्शन होता है। ह्यूमन बींग को कैसे होता है कि आपने अनकुक्ड मील, मीट को यूज किया है। ठीक है, सो उस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है। ठीक है, एंड जब ये हमारी बॉडी के अंदर आता है, टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई मदर के अंदर फीटस तक भी जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसका साइकिल चलता है। ठीक है, अब हम इसको थियोरेटिकली पढ़ते हैं एक बार, एक्चुअल में होता क्या है। देखियो, एक्सोएंट्रिक साइकिल जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट में होती है, मतलब ह्यूमन बींग्स में होती है। किसमें होती है, ह्यूमन बींग, अदर मैमल्स और बर्ड्स, ओनली ए सेक्शुअल फॉर्म ही होती है इसके अंदर ट्रोफोजॉइट एंड सिस्ट की। ठीक है, इन्फेक्शन अकर बाय इंजेशन ऑफ मेच्योर ओसिस्ट इन सॉइल एंड वाटर। देखिए, कैट जो थी उसने स्टूल पास आउट किया, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, ओसिस्ट था, क्या था, ओसिस्ट था, सॉइल और वाटर में उसने कंटेमिनेशन कर दिया। ठीक है, ओसिस्ट जो होती है वो क्या करेगी, रिलीज करेगी अपने अंदर से स्पोरोजॉइट्स को। अभी हमने डायग्राम में देखा था, तीसरे वाला था ये स्पोरोजॉइट्स, दैट इन्फेक्ट द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, जो कि एपिथेलियल सेल के इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको खराब करेगी। ठीक है, इन्फेक्ट करेगी। स्पोरोजॉइट्स मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल, जो स्पोरोजॉइट्स है वो होस्ट के सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। अब जब वो मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं ट्रोफोजॉइट्स में, किसमें, ट्रोफोजॉइट्स में कन्वर्ट होते हैं। व्हेन द नंबर इंक्रीजेस होस्ट सेल रप्चर, जैसे जैसे इसका नंबर इंक्रीज होगा तो होस्ट का सेल ऑब्वियसली धीरे धीरे रप्चर होना शुरू होगा। जैसे ही होस्ट का सेल रप्चर होगा उसके अंदर से ट्रोफोजॉइट्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, एंड जब वो रिलीज होते हैं तो वो इन्फेक्ट करते हैं अदर सेल्स को और मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, जब एक्यूट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन होता है तो जो प्रोलिफरेटिंग ट्रोफोजॉइट्स हैं, जो ट्रोफोजॉइट्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं इन साइड द होस्ट सेल, में अपियर राउंडेड, वो राउंडेड दिखेंगे एंड एनक्लोज्ड बाय द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, और वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जो कि सिस्ट की तरह भी दिख सकते हैं, एंड इज कॉल्ड सूडोसिस्ट और कॉलोनी, उसको हम सूडोसिस्ट या कॉलोनी के नाम से जानते हैं। विच इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ए ट्रू सिस्ट, जो कि ट्रू सिस्ट से डिफ्रेंशिएट होते हैं, उसको देखने के लिए आप सिल्वर स्टेन यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रोफोजॉइट स्प्रेड टू वेरियस ऑर्गन, अब जब सेल लाइज हुआ तो ट्रोफोजॉइट्स रिलीज हो गए तो वो क्या करेंगे, वेरियस ऑर्गन्स तक चले जाएंगे, वेरियस ऑर्गन्स तक जाएंगे, टिश्यूज तक जाएंगे, कहाँ से, ब्लड और लिम्फ के जरिए। अब ये एक्यूट इन्फेक्शन था, क्रॉनिक फेज में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा पैरासाइट,
प्रोड्यूस सिस्ट वॉल, सिस्ट वॉल को प्रोड्यूस करेगा एंड वो कन्वर्ट होगा सिस्ट में। ट्रोफोजॉइट जो है वो सिस्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। दिस अकर्स इन मसल्स। सिस्ट कहाँ पे पाया जाता है? मसल्स में पाया जाता है, टिश्यूज में पाया जाता है और ग्लैंड्स में पाया जाता है। सिस्ट रिमेन्स वियबल इन टिश्यूज फॉर सेवरल ईयर्स। जो सिस्ट है वो बहुत लंबे सालों तक मसल के अंदर रह सकती है, ठीक है, इसी वजह से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। इट प्रोड्यूसेस इन्फेक्शन व्हेन रॉ और अनकुक्ड मीट इज ईटन। ये इन्फेक्शन कब करती है? जब रॉ और अनकुक्ड मीट को खाया जाता है। इन द इंटेस्टाइन सिस्ट वॉल इज डिस्ट्रप्टेड बाय पेप्टिक और ट्रिप्टिक डाइजेशन। इंटेस्टाइन के अंदर जो सिस्ट की वॉल है वो डिस्टर्ब होती है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। पैरासाइट रिलीज होगा, जैसे ही वो सिस्ट वॉल डिस्टर्ब होगी तो उसके अंदर से पैरासाइट रिलीज होगा जो कि एपिथेलियल सेल्स में, इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियल सेल्स है उसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है, उसके जरिए और भी वेरियस टिश्यूज ऑर्गन्स और तक जाएगा विया ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ और ब्लड के जरिए। सेकेंड जो साइकिल है वो एंट्रिक साइकिल है। जो एंट्रिक साइकिल है वो डेफिनेटिव होस्ट मतलब कि कैट के अंदर चलती है, ठीक है, और उसको कैसे होती है ये, उसने इंजेक्शन कर लिया टिश्यू सिस्ट और ओसिस्ट का, माइस वगैरह को खाया, ठीक है, उसके अंदर होते हैं ये। पैरासाइट्स डेवलप्स इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। जो पैरासाइट है उसके जो कैट है उसके एपिथेलियल सेल, इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियल सेल्स है उसमें डेवलप होते हैं। सिजोगोनी गेमेटोगोनी टेक्स प्लेस, वहाँ पे सिजोगोनी और गेमेटोगोनी प्रोड्यूस होता है। मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग गेमेटोगोनी। जब गेमेटोगोनी होता है तब गेमेटोसाइट्स मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस होते हैं। विच फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट्स। फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है जो कि फाइनली बिकम होता है ओसिस्ट में, फाइनली उसके अंदर ओसिस्ट बनता है। ये जो ओसिस्ट है वो क्या है, फीसिस में रिलीज होती है, उसकी फीसिस में ओसिस्ट फॉर्म जो होती है वो रिलीज होती है। उसके बाद ये डेवलप होना शुरू करती है वाटर में और सॉइल में। ये जो ओसिस्ट फॉर्म है ना ये इन्फेक्शियस नहीं होती है, लेकिन जब ये रिलीज होती है, ठीक है, तो वो सॉइल और वाटर तक जाती है। तो जब सॉइल और वाटर में जाती है तब वो फॉर्म होती है स्पोरोसिस्ट में, ठीक है, मतलब कि एक सिंगल स्पोरोब्लास्ट बनता है। ईच स्पोरोसिस्ट डेवलप्स फोर स्पोरोजॉइट्स। एक स्पोरोसिस्ट से चार स्पोरोजॉइट्स बनते हैं। दस अ मैच्योर ओसिस्ट कंटेन्स, इसीलिए कहते हैं कि जो मैच्योर ओसिस्ट है उसके अंदर 8 स्पोरोजॉइट्स होते हैं। ये जो स्पोरोजॉइट्स है मैच्योर ओसिस्ट वाले, ये इन्फेक्टिव स्टेज है जब ह्यूमन इसको इंजेस्ट करता है। इट रिलीजेस स्पोरोजॉइट्स इन द इंटेस्टाइन विच इनिशिएट द इन्फेक्शन। इंटेस्टाइन के अंदर स्पोरोजॉइट्स को रिलीज करता है जो कि इन्फेक्शन को बढ़ावा देती हैं। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो ये डिजीज जो करता है उसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। उसके क्लिनिकल फीचर्स आप देख लो, मोस्ट ह्यूमन इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक, ज़्यादातर तो ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन दो तरीके से इसका जो इन्फेक्शन है वो अक्वायर होता है। एक होता है कंजुनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो मदर से बेबी को होता है, एक होता है एक्वायर्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। कंजुनाइटल के बारे में मैं अगर बात करूं, ट्रांसमिशन ट्रांसप्लेजेंटल प्लेजेंटा के थ्रू बेबी तक गया। मोस्ट इन्फेक्टेड न्यूबॉर्न्स, न्यूबॉर्न्स के अंदर होता है, ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहता है। कुछ के अंदर सिम्टम्स डेवलप होते हैं वीक के, मंथ या फिर ईयर्स के बाद जन्म लेने के। द सिम्टम्स, वो सिम्टम्स क्या क्या हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है, एपिलेप्सी, दौरे, मेंटल स्टेटमेंट खराब हो सकता है। अ फ्यू आर बॉर्न विद सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स के साथ ही बॉर्न अप होते हैं, ठीक है। जब एक्यूट टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है तब क्या होता है, फीवर हो सकता है, जॉन्डिस और डायरिया की कंडीशन हो सकती है। एक्वायर्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस करें बोले तो जो बाहर से हो रहा है हमें, जैसे हमने मिल्क को इंजेस्ट किया, मीट खा लिया, अनकुक्ड एग यूज किया, ठीक है, जिसके अंदर वो टॉक्सोप्लाज्मो गोंडाई था, बाय इनहेलेशन और बाय इनोकुलेशन थ्रू स्किन क्रैक्स और स्मॉल अब्रेशंस, ठीक है। द एक्यूट सिम्टम्स आर, इसके एक्यूट सिम्टम्स क्या है, लिम्फेडनोपैथी, ठीक है, मतलब कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और कॉमनली जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फीवर होता है, हेडेक होता है, स्प्लीनोमेगैली हो जाता है, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाता है। इन एन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत कम है, ठीक है, उनके अंदर तो सीवियर इलनेस हो सकती है, जैसे एटिपिकल न्यूमोनाइटिस हो गया, मायोकार्डियोटाइटिस हो गया, मेनिन्जियो इंसेफ्लाइटिस हो गया, सेरिब्रम टॉक्सोप्लाज्मोसिस जनरेट हो जाएगा, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी हो सकता है। लेट अस टॉक अबाउट द लैब डायग्नोसिस।
लैग डायग्नोसिस में अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कर सकते हैं, जिसमें कि हम सैंपल लेंगे बोन मैरो का। बोन मैरो का सैंपल लो, स्मियर बनाओ, जिम्सा स्टेन करो, क्या दिखेगा, ट्रोफोजोइट्स दिखेंगे। ठीक है, बोन मैरो का सैंपल ले सकते हो, स्प्लेनिक पंक्चर ले सकते हो, CSF ले सकते हो, सिस्ट देख सकते हो, टिश्यू सेक्शंस में ही देख सकोगे सिस्ट। एनिमल इनोकुलेशन कर सकते हो, द स्पेसिमेन इज इनोकुलेटेड इन माइस। ठीक है, माइस में इनोकुलेट किया जाता है, ग्यूनिया पिग में किया जाता है और हैमस्टर्स में किया जाता है, ताकि ट्रोफोजोइट्स को डिटेक्ट किया जा सके 7 से 10 दिन के बाद। सीरम में शो एंटीबॉडीज, इसमें एनिमल इनोकुलेशन में सीरम के अंदर एंटीबॉडीज दिख जाती हैं फॉर दी अगेंस्ट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई। सीरोलॉजिकल टेस्ट में आप एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए IgM एंटीबॉडी अगर डिटेक्ट करनी है तो IgM ELISA लगा लो, IgM डायरेक्ट फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट लगा लो, IgM इम्यूनोसॉर्बेंट एग्लूटिनेशन टेस्ट लगा लो। IgM इंडिकेट करता है रीसेंट इन्फेक्शन को, कि अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है। इन प्रेग्नेंट वुमन इट इंडिकेट्स एन एक्यूट इन्फेक्शन, ये एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है प्रेग्नेंट वुमन के लिए, जो कि ये भी बताता है कि बेबी को, फिटस को रिस्क हो सकता है। इट्स प्रेजेंस इन न्यू नेट इंडिकेट्स कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन, इसका जो प्रेजेंस है ये बता सकता है कि बेबी को कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद अगर IgG एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हो तो उसके लिए आप CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर लो, इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट लगाया जा सकता है, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस और ELISA भी लगाया जाता है। अगर हमने टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई का DNA का टेस्ट करना है तो मॉलिकुलर मेथड मतलब PCR जो है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शंस देखिए कैसे बचा जा सकता है। तो जो मीट, अगर पहली बात तो मीट ना कंज्यूम करें, बट स्टिल अगर आप करते हैं तो अवॉइड करें, मीट को प्रॉपर कुकिंग करें, अंडर कुक मीट नहीं खाना चाहिए। ठीक है, एंड हैंड वगैरह प्रॉपर अच्छे से वॉशअप करने चाहिए, उसके बाद ही खाना खाएं। ठीक है, ताकि आप कंटामिनेशन से बचें। ये था गाइज आज का वीडियो, जिसमें हमने टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई के बारे में पढ़ा, देखा मोर्फोलॉजी 3 स्टेजेस में लाई करता है, ट्रोफोजॉइट, टिश्यू सिस्ट, ओसिस्ट। पैथोजेनेसिस देखा हमने, टॉक्सोप्लाज्मोसिस करता है, सिम्टम्स देखे बहुत सीवियर हैं, मदर को हो गया तो फीटस तक जा सकता है। ठीक है, लैब डायग्नोसिस देख लिया, बहुत सारी टेस्टिंग कर सकते हैं, IgG IgM एंटीबॉडी कर सकते हैं, IgM एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आती है तो रीसेंट इन्फेक्शन बताता है मदर के अंदर, और बेबी को भी खतरा हो सकता है। प्रिवेंशन देखा हमने इसका, कि कैसे बचा जा सकता है इससे, अंडर कुक्ड फूड मीट का ना यूज़ करें, उसको प्रॉपर कुक करें अगर कंज्यूम करते भी हैं तो। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप कि इसने आपको हेल्प किया हो आपकी स्टडी के लिए। अगर हेल्प किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है जिया शेंगी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। एंड कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। And please to support women empowerment. Thank you very much.